उनके कंप्यूटर वाले ये बोर्ड थे, टीवी थे, ये हो सकते हैं बंद और आगे विंडोज इस साइड पे यहाँ पे इतना बड़े स्क्रीन पे टीवी लगे हुए हैं। इस पे मेरे नंबर आ रहा है, मेरा नंबर है 298। इस तरह की पार्किंग हो, जैसे ये ब्राउन कलर की पट्टियां लगी हैं, इनके इन पे नंबर्स भी होते हैं लेकिन अभी इन पे लाइसेंस नंबर्स लगे नहीं हैं। इस तरह की अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम, मैं सुपरवाइजर सरकान और आप लोगों के खूबसूरत व्लॉग में खुश आमदी। आज मैं आया हूँ अलबेक और मुझे पता चला कि अलबेक हो गया है चेंज। चेंज कैसे हुआ है वो आज चाहे आप लोगों को डेफिनेशन इस व्लॉग में देखने को मिलेगा और सुनने को मिलेगा। तो ब्लॉग को एंड तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर नया आने वाला ब्लॉग आप लोगों तक पहुंच सके और आप लोग उसको देख सकें। तो आप ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं और बताते हैं कल बेटी चेंज क्या हुआ। ऑर्डर तो मैं कर चुका था लेकिन जब तब्दीली महसूस हुई तो मैं सिर्फ ब्लॉग बना लूँ। अलबेक का पूरा ये देखें आप लोग को दिखाऊँ, अलबेक का पूरा फतूरा चेंज हो गया है मतलब शुरू तक। और बीच में सर बाबा की कॉल आ गई थी इसलिए मुझे वीडियो कट करनी पड़ रही। तो ये पूरा का पूरा अलबेका एक तो पहले वो चेंज हो गया है पूरा। सेकेंडली आप लोगों को मैं जाके अंदर तब्दीली महसूस करवाता हूँ कि अंदर क्या चेंज आया है। अंदर उनके कंप्यूटर वाले ये बोर्ड थे, टीवी थे, ये हो सकते हैं बंद और आगे विंडोज इस साइड पे यहाँ पे इतना बड़े स्क्रीन पे टीवी लगे हुए हैं। इस पे मेरे नंबर आ रहा है, मेरा नंबर है 298। हाँ 298 वो सेंटर में मेरा नंबर है और जो पीले वाले नंबर है उनको मतलब ये है कि आपका ऑर्डर रेडी हो चुका और इसीलिए तो आज आप लोगों के अंदर रश भी नजर आ रहा। सारे बंदे खुले हुए हैं बाहर बैठे हुए और हम लोग पीला नंबर आप लोग देखते हैं कि आपके पूरे का ये पीला येलो कलर का नंबर आ गया है। तो आप लोग अंदर जाते हैं, हम पूरा दिखाते हैं और फिर वो आप लोग को सामान दे देते हैं रेडी हुआ। वो सारे सामने पड़ा हुआ है रेडी बाबा और पता कैसे चल रहा है वो देखते हैं। वो अंदर फतूरे निकल रहे हैं और जो सामने टीवी लगा हुआ है उसमें से आपके फतूरे के ऊपर जो जाता है ऑर्डर किया है वो उनको मिलता जाता है और ये लोग देखते रह के रेडी करते जाते हैं। इसमें आई थिंक सो इतना ज़्यादा देर भी नहीं होता और आप लोग का फूड भी जल्दी आप लोग को मिल जाता है। देखिए अभी अभी एक और नंबर मेरे सामने आ चुका है इसका, क्योंकि अभी 85 का दाम पर बोल नंबर बोल ही जा रहे हैं और वो लोग उनका ऑर्डर रेडी होते जा रहे हैं। ये इनमें तब्दीली आई है और इन्होंने एक नया सैंडविच भी निकाला है अनकरीब इंशाअल्लाह, उस पर भी ब्लॉग बनाऊंगा जल्द। और जिसने मैंने भी ऑर्डर की है वो बनने में कितनी देर है वो सब आप लोग और डेट होटल तब्दीली था उनकी तब्दीली थी। मैंने आप लोगों को बताया कि इन्होंने क्या क्या चेंज किया है, बात करके शायद आप लोगों को ऑडियो सही आ रहा है। ये टोटल आज की तब्दीली का ब्लॉग था मेरा, अभी एंड नहीं किया मैंने ब्लॉग, अभी थोड़ा सा बाकी है। और ये इन्होंने चेंजेस किए जैसे कि मैंने आप लोगों को वीडियो बताया और आज मुझे एक और चीज़ बहुत खास देखने को मिली। ये क्या वो क्या चीज़ थी, ये थी कि आज मुझे ऑनलाइन वाले बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, यानी कि जो ऑनलाइन यहाँ की ऐप्स है ना जैसे हंगर है, मशहूल है या अलबेक की अपनी है ऑनलाइन ऐप डिलीवरी की, आप मुझे वो डिलीवरी मैन आज बहुत नज़र आ रहे हैं नस्बत जो लोग आके खुद लेके जाते हैं। आज ये डिलीवरी वाली बाइक्स बहुत ज़्यादा खड़ी थी और आज रश भी कम था, मतलब कि लाइक जैसे अलबेक का रश होता है ना कंट्रोल ना होने वाला रश, आज रश भी कंट्रोल था माशाल्लाह तबारकअल्लाह। और मुझे तो वायरल मैं वहाँ पर लाइन में खड़ा था, उसके बाद फिर मैं अंदर गया हूँ तो मुझे जाते जाते थोड़ा वो टाइम लगा जो लगा, उसके बाद फिर जब मैंने अंदर की तब्दीली देखी तो मैं एक सेकंड पे शॉक हो गया, एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। और जो मेरे अंदर एक दो जानने वाले बंदे हैं उनसे मैंने जब पूछा तो उन्होंने कहा हाँ एक्चुअली मैंने अभी पिछले हफ्ते अलबेक खाया है जुम्मे वाले दिन, लेकिन वो खाया था मैंने मोगफ में शराय में, जो एक मोगफ है किसी आप लोग उसका विजिट करूँगा, मैंने वहाँ पर खाया तो वहाँ पर एकदम नॉर्मल था। यहाँ पर इस वाले अलबेक में तकरीबन मैं एक दो हफ्ते बाद आया हूँ तो वो एक दो हफ्ते में इतनी चेंजिंग होगी अनबिलीवेबल। तो माशा तबारकअल्लाह अब इंशाअल्लाह जब मेरा ऑर्डर आएगा तब आप लोग को मिलते हैं। और हर बार की तरह मैं आप लोगों को इस बार भी बता रहा हूँ कि ये वाला अलबेक जब नूर वाला अलबेक है तो मैंने अभी तक तब्दीली देखी है, बाकी अजीजा वाले, जिद्दा वाले, ताइफ वाले, अलबहा, दमाम काफ़ी जगह इनकी ब्रांचेज हैं वहाँ पर अभी तक मैं नहीं गया
और अंत में जाकर वहाँ पर विजिट करूंगा, फिर आप लोगों को बताऊंगा कि वहाँ पर भी कैसी तब्दीली है। सामने साइड पे गारे रंग है और अभी मुझे अभी इन शाला मिलते हैं आप लोगों से ऑर्डर आने के बाद, क्योंकि बाबा की कॉल आ रही है तो मुझे वीडियो बीच में कट करनी पड़ेगी। इसी के साथ साथ आप लोगों को एक और इन्फॉर्मेशन देनी थी मैंने, सॉरी मैं बाबा ब्लॉग को ऑन कर रहा हूँ और कह रहा हूँ कि ऑर्डर आने के बाद आप लोग से मिलता हूँ, लेकिन जब मैंने ये देखा तो मैंने सोचा ये वाली इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए कि आप लोग जब भी आते हैं अलबेक आए या किसी मॉल में जाएं, किसी ऐसी जगह पर जाएं जहां पर इस टाइप की पार्किंग हो, मतलब ये आप लोग देख लें इस तरह की पार्किंग हो, जैसे ये ब्राउन कलर की पट्टियाँ लगी हैं, इनके इन पर नंबर्स भी होते हैं लेकिन अभी इन पर लाइसेंस नंबर लगे नहीं हैं। इस तरह की जब पार्किंग होना तो आप लोगों ने ख्याल रखना है, देखने पर बोर्ड लगा हुआ है पेड पार्किंग है, ये यहाँ पर आजकल इन्होंने पेड पार्किंग का निज़ाम शुरू किया है। अदरवाइज इसके सामने अलबे के सामने भी पूरी पार्किंग आप लोग देख सकते हैं खाली है लिखी हुई, क्योंकि ये पेड पार्किंग है। अब जैसे एक गाड़ी वहाँ पर अंदर गई है वो जाके इसमें पेमेंट करेगी और फिर वो घंटे घंटे के हिसाब से पेमेंट होती है इसकी। अब मुझे ये नहीं पता घंटे के हिसाब से कितनी है, मैं आप लोग को चाहता हूँ चेक करके बताता हूँ, और फिर उस हिसाब से आप लोग पैसे डालते हैं और फिर आप लोगों की एक चिट निकलती है, जो कि चिट आप लोगों ने गाड़ी के फ्रंट स्क्रीन पर रखनी होती है, क्योंकि जब कोई मरूर वाला मरूर यहाँ पे कहते हैं जो पुलिस वाले होते हैं यहाँ पे जो पार्किंग वाले हैं जो पार्किंग को चेक करते हैं वो वाले जब आए तो उनको पता चल सके कि आप लोगों ने पे किया है। ये पे की मशीन है, ये आई थिंक अभी ऑन नहीं है, देख लेते हैं ऑन है अभी। इसके बाद यहाँ पर आप लोगों ने डालने हैं कॉइन्स डालने हैं, यहाँ पर इसमें कैश का भी ऑप्शन होता है लेकिन इस मशीन में नहीं है, फिर चीपो का चिल्लड़ का ऑप्शन है कॉइन्स का। उसके बाद फिर यहाँ से चिट आती है और फिर आप लोगों की पार्किंग डन हो जाती है, लेकिन यहाँ पर ये देखना पड़ता है आप लोगों को कि आप लोगों की पार्किंग किस नंबर में लगी है। यहाँ पर तो नंबर नहीं है लेकिन फिर भी ये ऑन है, यहाँ पर आप लोगों को चिट निकाल के ही लगाना पड़ता है, नहीं तो आई थिंक सो ये ऑन है। अदरवाइज आप ऐसी गिनती कर सकते हैं कि आप पार्किंग किस में है, 1 2 3 4 इस तरह करके। और बाकी ये एक बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन थी कि काफ़ी लोगों को मैंने यहाँ पर फाइन पे करते देखे, गरामा पे करते देखा है। और एक और बात, जब आप लोग इस तरह की पार्किंग में आए और इस टाइप का बोर्ड लगा हो ना सामने तो कोशिश किया करें कि वहाँ पर ना लगाया करें, वो खास लोगों के लिए होती है जो कि बीच एज वाले लोग होते हैं, उसके ऊपर उनका क्या नाम है टाइम होना होता है, ये देखें आप लोगों के साथ एक लोगो होता है स्पेशल, उसकी बंदा बैठा हुआ और लिखा हुआ है कि अगर आप लोग यहाँ पर बिना पे किए गाड़ी पार्क करते हैं तो भी आप लोग गाड़ी उठा ली जाएगी, तो गरामा भी है, और अगर इस डिसेबल ड्राइवर्स ऑनली, डिसेबल ड्राइवर्स ऑनली लिखा हुआ है इसके ऊपर, अगर आप लोग इस पार्किंग में खड़ी करते हैं तो भी आपको गरामा भी है और आप लोग गाड़ी उठा ली जाएगी, मतलब डिसेबल मतलब जो जो व्हील चेयर वाले लोग होते हैं। ये देखें आप जैसे अलबेट में जाने के लिए डिसेबल लोग आते हैं वो यहाँ पर गाड़ी पार्क करके यहाँ से उनके लिए रास्ता दिया हुआ, फिर वो अलबेट में जा सकते हैं। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी आज की, बाकी आप इंसाता हम लोगों से बात कर लेते हैं। मैं ब्लॉग बना था मुझे पता ही नहीं चला तो मेरा नंबर आ चुका है, सामने नंबर आ चुका है, यहाँ पर कुछ मेरा ऑर्डर है कि मैंने अपना नंबर दिया और अब ये लोग मुझे बताएंगे कि मेरा ऑर्डर पेश होने से पहले तो मुझे बोला लग रहा है कि मैं बताएंगे तो बोल चलेगा ये ऑर्डर था मेरा मिलने वाला ऑर्डर हमने कर लिया है लेफ्ट। ऑर्डर हमें हमारा रिसीव हो चुका है और अब हम अलबेक से बाहर आ चुके हैं और वेट है जस्ट बाबा का कि वो आए तो फिर हम जाएंगे इंशाल्लाह। और उम्मीद करता हूँ आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मजीद आने वाली वीडियोज आप लोगों तक पहुँच सकें इंशाल्लाह। मिलते हैं किसी नए अच्छे व्लॉग के साथ, जाके अल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़।